ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा दिनों से सोच रहा था बनाने की, जिसमें मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि कैसे शुक्र यानी कि वीनस मेन कारक का होता है आपकी लाइफ में, मनी का भी, वेल्थ का, लग्जरी का। हम अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे राहु की मदद से आप अनलिमिटेड वेल्थ कमा सकते हैं, बट वो वेल्थ होती क्या है, शुक्र होती है। तो जब तक राहु को शुक्र की सपोर्ट नहीं मिलेगी आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में, तब तक आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, आपको रियल वेल्थ नहीं मिलने वाली। हो सकता है आपको मेहनत वाली वेल्थ यानी कि शनि की हेल्प से जो मेहनत से वेल्थ मिलती है वो मिल जाए, बट रियल वेल्थ, रियल लग्जरी अगर आप लाइफ में ढूंढ रहे हैं, आपको अपने शुक्र को एक्टिवेट करना चाहिए। और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि शुक्र को एक्टिवेट करना मतलब कि परफ्यूम लगा लिया या सज धज के रहना, परंतु शुक्र एक्टिवेशन आपके शुक्र की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे शुक्र आपकी कुंडली में बैठा है, D1 चार्ट में, D9 चार्ट में, उसकी एनालिसिस करके हम ये डिसाइड करते हैं कि आपके लिए शुक्र कैसे एक्टिवेट होगा लाइफ में। और इस एक्टिवेशन के लिए दो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि शुक्र की आप स्थिति देखिए, एक तो कौन से घर में बैठा है और साथ में कौन सी राशि में बैठा है। अभी के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ घर और राशि डिस्कस करेंगे, नक्षत्रास की बेसिस पे भी वैसे हम एनालिसिस करते हैं, वो थोड़ी डीप एनालिसिस हो जाती है, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ हाउसेस और राशिज को कवर करने वाला हूँ कि कैसे शुक्र की स्थिति आप जान सकते हैं और कैसे आप ये जान सकते हैं कि मेरे लिए शुक्र कैसे एक्टिवेट हो सकता है लाइफ में और कैसे कैसे काम मुझे सूट करेंगे लाइफ में अगर मुझे ज़्यादा वेल्थ कमानी है। तो उससे पहले थोड़ी सी अगर हम शुक्र की इंट्रोडक्शन लें, देखिए शुक्र के बारे में अगर आप किसी भी टेक्स्ट में पढ़ेंगे, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में नहीं, आप बाकी कोई भी टेक्स्ट लेंगे, कोई भी वेदास लेंगे, उसमें शुक्र के बारे में पढ़ेंगे, तो आप ही जानेंगे कि शुक्र ने जितनी भी सिद्धियां प्राप्त करी, जितना कुछ प्राप्त किया, वो डार्क में रह के, अकेले में रह के प्राप्त किया। उसने मंत्रास प्राप्त किए जो बाकियों को बाद में बांटे, है ना, एक तरह से डीमंस को बांटे। तो शुक्र एक तो डार्क में रह के अगर काम करे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, हुआ भी था। तो एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ जो है कि शुक्र एक तरह से स्पर्म भी होता है। स्पर्म में हम जैसे जानते हैं कि सारे के सारे स्पर्म्स जेनेटिकली कोडेड होते हैं, तो हर स्पर्म डिफरेंट कोड लेके जाता है अपने साथ। तो इसी तरह जब शुक्र की प्लेसमेंट के साथ किसी तरह राहु या मर्क्यूरी कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में बहुत एक्सपर्ट बन सकता है। क्योंकि शुक्र, वैसे सब लोग सोचते हैं कि शुक्र सिर्फ ब्यूटी होती है, ब्यूटी नहीं, शुक्र एक तरह से प्रोग्रामिंग भी है, डीप प्रोग्रामिंग जो हमारे DNA में है वो शुक्र ही है। तो शुक्र जब राहु के साथ मिलेगा बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनाएगा, इसी तरह शुक्र जब बुध के साथ, मर्क्यूरी के साथ मिलेगा, तब भी इस व्यक्ति की प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इस एनालिसिस के साथ, इस थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम ये जानते हैं कि आप अपनी कुंडली में शुक्र किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे शुक्र फर्स्ट हाउस या फिर शुक्र इन एरीज के साथ। तो सबसे पहली डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं कि जब शुक्र एरीज राशि में बैठा है, फर्स्ट नंबर राशि में बैठा है या फिर पहले घर में बैठा है, तो या तो शुक्र यहाँ पे बैठ गया या फिर कहीं भी आपकी कुंडली में वन लिखा हुआ है, यहाँ वन लिखा हुआ है, यहाँ वन लिखा हुआ है, यहाँ वन लिखा हुआ है, जहाँ भी वन लिखे और वहाँ पे शुक्र बैठ गया, तो आपने क्या करना है, जब शुक्र एरीज राशि में होगा या फर्स्ट घर में होगा, आपको अपने लिए ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए, ज़्यादा मनी कमाने के लिए, ज़्यादा वेल्थ कमाने के लिए, खुद को एज अ किंग प्रेजेंट करिए, खुद को एज रिच प्रेजेंट करिए। कई लोग होते हैं ना जो ब्लॉगर्स होते हैं स्पेसिफिकली, जो खुद को पहले ये दर्शाते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, तभी उनको लोग फॉलो करते हैं। तो एक तरह से अगर फर्स्ट हाउस या फिर फर्स्ट राशि में शुक्र है, अपने आप को अगर आप किंग की तरह प्रेजेंट करेंगे कि मैं पहले से ही बहुत रिच हूँ, आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ेगी। सेकेंडली, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, आपको अपने लिए ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, अपनी हेल्थ, फिजिकल फिटनेस के लिए आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आपने अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया, अपनी लुक्स पर ध्यान देना शुरू किया, और सपोज करिए आपने जिम ज्वाइन किया, तो शुक्र आपका धीरे धीरे एक्टिवेट होता है और अल्टीमेटली शुक्र आपको वो वेल्थ प्रदान करता है जो आप नॉर्मल जिंदगी में नहीं कमा सकते। तो फर्स्ट हाउस या फिर एरीज में शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए खुद पे जैसा ज़्यादा पैसे खर्चिए, खुद के ऊपर सजने धजने पे ज़्यादा पैसे खर्चिए, और खुद को एज अ किंग प्रेजेंट करिए अपने किसी भी काम में। कोई भी आप काम या कोई बिजनेस करते हैं, बिल्कुल टिप टॉप सज के जाइए और एज अ किंग प्रेजेंट करिए खुद को, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा शुक्र की हेल्प से। अब बात करते हैं अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर या तो दूसरे घर में बैठा है
या दूसरे नंबर राशि जिसको हम टॉरस बोलते हैं उसमें बैठा है। या देखिए शुक्र सपोज करिए यहाँ पे आ गया, या फिर कहीं भी आपकी कुंडली में टू लिखा हुआ है वहां पे शुक्र बैठ गया, तो दो नंबर राशि में शुक्र बैठ गया यानी कि टॉरस में शुक्र बैठ गया। तो आपको शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि खुद को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, खुद के एक्सपीरियंस को, खुद के काम को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, और बाकी लोगों को भी एक तरह से फोर्स करना चाहिए आपको कि आपको उतनी वैल्यू मिले जितना आप डिजर्व करते हैं। अगर आप लेस वैल्यूएबल काम करेंगे तो, क्योंकि अब बुल टॉरस का एक तरह से सिंबल होता है, एक तो आपको एग्रेसिवली वर्क करना है। देखिए अगर आप सोचेंगे मैं आराम से घर पे बैठ के काम करता हूँ, ऐसा वर्क आपके लिए कभी भी वर्क नहीं करेगा। शुक्र जब भी टॉरस में होता है आपको एग्रेसिवली वर्क करना पड़ता है, और कोशिश करिए कि कोई ऐसा कार्य पकड़ें जिसमें डे टू डे वर्क सेम ही हो, यानी कि रेपिटेटिव वर्क हो रहा हो, आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा वहाँ पे। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी आपकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको जॉब मिल रही है जिसमें आपको 3 साल एक्सपीरियंस जैसी सैलरी मिल रही है, तो आपको उसको रिजेक्ट करना चाहिए। अपनी वैल्यू जितनी है उसको आपको खुद ही प्रोटेक्ट करना है, उसको बैलेंस करके चलना है, और ये ध्यान रखना है कि जितनी आपकी वैल्यू उतनी आपको ज़रूर मिले। खुद को वैल्यू करेंगे और खुद को दूसरों को फोर्स करेंगे वैल्यू करने के लिए, तब आपका शुक्र एक्टिवेट होगा और आपको ज़्यादा पैसे कमाने को तब मिलेंगे सेकंड नंबर राशि में। अब बात करते हैं अगर शुक्र आपकी कुंडली में या तो तीसरे घर में आ जाए या फिर तीसरे नंबर राशि में बैठा है। तीसरा नंबर राशि कौन सी होती है? जेमिनी। तो शुक्र या तो यहाँ पे बैठ गया या फिर तीन नंबर कहीं भी लिखा हो आपकी कुंडली में वहाँ पर शुक्र आगे बैठ जाए। तो जब शुक्र जेमिनी में होगा आपने ये ध्यान रखना है कि चाहे उसको जितना मर्जी टाइम लग जाए, 4-5 साल लग जाए, बट आपको अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने चाहिए। जब तक आप मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल काम नहीं करेंगे आपको ट्रू वैल्यू और ट्रू मनी नहीं मिलेगी लाइफ में। शुक्र जेमिनी में बैठ के मल्टीपल चीज़ों में घुसना चाहता है, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना ही चाहिए। सेकेंडली आपको, क्योंकि अब थर्ड हाउस से हम कम्युनिकेशन भी देखते हैं, कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन आपको अपने वर्क में ज़रूर जोड़नी चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं जिनका घर में बैठ के सिर्फ कंप्यूटर पे ही काम करने का काम है, फिर भी उसमें किसी तरह कम्युनिकेशन लाइए। कैसे ला सकते हैं? आप कॉन्फ्रेंसेस में बांट लीजिए जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं लोगों को। तो जब तक आप मास्टर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे ये शुक्र एक्टिवेट नहीं होगा। सेकेंडली आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि क्योंकि थर्ड हाउस से हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स भी देखते हैं, तो अगर ट्रैवलिंग करते वाला कोई काम हो आपका, ट्रैवलिंग का कोई बिजनेस हो जिसमें आप कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, वैसा काम बहुत ज़्यादा सूट करेगा आपको अगर तीसरे नंबर राशि में शुक्र बैठा, यानी कि जेमिनी में अगर शुक्र बैठा है। अब बात करते हैं अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर चौथे घर में बैठा है या फिर कैंसर साइन में बैठा है, यानी कि 4 नंबर राशि में बैठा है। तो सपोज करिए शुक्र या तो यहाँ पे बैठ गया या फिर कहीं भी आपकी कुंडली पे 4 नंबर लिखा है वहां पे शुक्र बैठ गया आगे। तो जब भी शुक्र चौथे नंबर राशि में होगा या फिर कैंसर में होगा आपने ये ध्यान रखना है कि अपने अपने घर को टिप टॉप रखना है। आपका घर बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लगना चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन और लग्जीरियस घर बनाइए अपने लिए, चाहे वो जितना मर्जी छोटा हो, जब उसके अंदर जाएं तो ऐसा लगना चाहिए कि लग्जीरियस घर है। और दूसरा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं अपने ऑफिस को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए और बहुत लग्जीरियसली सजाना चाहिए। सेकेंडली, क्योंकि फोर्थ हाउस हम मदर के साथ भी जोड़ के देखते हैं, अगर आप अपने मदर को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स देंगे लाइफ में, अनएक्सपेक्टेडली उनके लिए गिफ्ट लाएंगे स्पेशली फ्राइडेज को, तो ये शुक्र एक्टिवेट होता है। फ्राइडेज के दिन जब आपका फोर्थ नंबर राशि में शुक्र है, आप ये भी कर सकते हैं कि वुमेन के लिए या तो यंग गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए कुछ ना कुछ आप डोनेशन करिए। अगर आप फ्राइडेज के दिन गरीब लड़कियों को वाइट क्लोथ्स या फिर वाइट परफ्यूम्स या फिर चीनी बांटेंगे तो ये शुक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा। अब अगर शुक्र आपकी कुंडली में या तो फिफ्थ हाउस में आ जाए या फिर लियो साइन में बैठा है, यानी कि 5 नंबर राशि में बैठा है, तो सपोज करिए या तो शुक्र यहाँ पे आ गया या जहाँ भी आपकी कुंडली में 5 लिखा है, सपोज करिए यहाँ पे 5 लिखा है और शुक्र यहाँ पे बैठ गया, तो जब भी शुक्र 5 नंबर राशि में होगा आपको शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है कि आप किसी तरह से कंसल्टिंग में घुसिए। अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें आप बाकियों को कंसल्ट करने का काम करेंगे उसमें आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस पाने के चांसेस हैं। चाहे आप ऐसा काम भी करते हैं जिसमें हमने प्रोग्रामिंग करनी है, फिर भी अपने जूनियर्स को सिखाइए। दूसरों को जब तक गाइड नहीं करेंगे, कंसल्ट नहीं करेंगे दूसरों को, तब तक आपको शुक्र एक्टिवेट नहीं होगा। सेकेंडली, फिफ्थ हाउस से हम चिल्ड्रन भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, फ्राइडेज के दिन अपने बच्चों को आपको बाहर लेके जाना चाहिए अच्छे अच्छे डिनर्स के लिए, अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए, उससे भी शुक्र एक्टिवेट होता है। और साथ के साथ अगर फिफ्थ हाउस में आपके शुक्र बैठा है, आप अपने वर्क प्लेस के अंदर हर रोज़ जब काम पर जा रहे हैं
अच्छी रिस्ट वॉच जरूर पाके जाइए। रिस्ट वॉच फिफ्थ हाउस के शुक्र के लिए, पांचवें नंबर राशि के लिए शुक्र अगर बैठा है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है आपको और आपको रियल मनी देगा लाइफ के अंदर। अब बात करते हैं, अगर शुक्र आपकी कुंडली में या तो छठे घर में बैठा है या फिर शुक्र छठी राशि में है, यानी कि वर्गों में है शुक्र, तो या तो शुक्र यहां पे आ गया या फिर छह नंबर कहीं भी लिखा है आपकी कुंडली के अंदर, सपोज यहां पे बैठ गया शुक्र और यहां पे छह नंबर राशि पड़ रही है, तो जब भी शुक्र वर्गों में होगा, आप क्योंकि शुक्र यहां पे थोड़ा सा वीक माना जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सेल्फ पोर्ट्रे, आपको खुद को ये लगना चाहिए कि मैं वैल्यूएबल हूं। अगर आप खुद को ये नहीं समझेंगे वैल्यूएबल, तब तक आपको शुक्र अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो खुद को वैल्यूएबल करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो मिल सकती है आपको ये है कि अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट निकालिए, जैसे किंग्स निकालते थे, अपनी सेल्फ की एक फोटो निकालिए बहुत अच्छी सुंदर, और उसको ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए अपने घर में, अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में, अपने ऑफिस में ईस्ट डायरेक्शन में अपनी फोटो लगाइए अपने आप को वैल्यूएबल दिखाने के लिए। और जब भी काम पे जाएंगे खुद को वैल्यूएबल प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, हमेशा बहुत सज धज के जाइए और अपने लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए सोचिए, अपने काम में इतनी एक्सपर्टीज लाने की कोशिश करिए कि दूसरे लोग भी आपको वैल्यूएबल समझें, तभी आपके लिए शुक्र एक्टिवेट होगा छः नंबर राशि में। तो दोस्तों अभी इस फर्स्ट पार्ट में हमने एक नंबर राशि एरीज से शुरू होकर वर्गों तक छः नंबर राशि तक डिस्कस किया कि शुक्र आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। कल मैं 7 नंबर राशि से लेके 12 नंबर राशि तक शुक्र की वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे आप लोग अपना शुक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपका शुक्र किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है और क्या आपको वैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए आप मेरे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।